बुरहानपुर जिले में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण पर कार्रवाई कर बुलडोजर चलाया। जिले की बिगड़ती यातायात व्यवस्था के चलते कार्रवाई की गई। दरअसल शहर में बने मॉल और कॉम्प्लेक्स में पार्किंग व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर ही वाहन पार्क कर देते हैं। साथ ही दुकान संचालक भी सामान रोड पर रखकर बेचते हैं, जिस कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने पक्के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। वहीं इस दौरान कार्यवाही कर रही टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। यातायात चल रही सुरक्षित यातायात के लिए आवागमन बेहतरीन हो, काफी दिक्कतें आती है, चाहे वो पैदल यात्री हो या फिर बाइक वाले भी हो। ये मुख्य मार्केट है शहर का, तो वही कार्रवाई यातायात नगर निगम के साथ मिलकर अतिक्रमण वाले समझाइश काफी दिनों से हो गए देते हुए। बस समझाइश के दौरान अपने सामान अंदर रख देते हैं लेकिन हटाते नहीं, इसलिए तो सामान जब्त किए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा सामान जब्त किए जा रहे हैं, जो अनावश्यक जो बांस या फिर पाइप लगा के उन्हें बाहर निकाल रखा है वो भी जब्त किए जा रहे हैं। जो अव्यवस्थित रूप से अतिक्रमण किया गया है कुछ दुकानदारों द्वारा, कुछ हाथ ठेलों द्वारा, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। आज हमारे द्वारा दुकानदारों का अतिक्रमण भी हटाया गया है, ठेले भी हटाए गए और जुर्माना भी किया गया। अब नहीं समझ रहे, इसलिए आज हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर रहे हैं और जुर्माने की कार्रवाई भी प्रचलित है इनके साथ।